नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त 5 की 8 का है, मैं हूं अपर्णा मौजूद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। रतलाम में रेलवे का एक गेटमैन शराब के नशे में ऐसा चूर हुआ कि रेलवे फाटक बंद करना ही भूल गया। बात नकली नोट के खेल की भी होगी। बताएंगे कैसे छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नकली नोटों का धंधा चल रहा है। इसके अलावा ग्वालियर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे मैरिज गार्डन्स की भी खबर होगी। मध्य प्रदेश के एक और स्कूल में आया है धर्मांतरण का मामला, इस खबर के बारे में भी हम जानेंगे। और बताएंगे शक में कैसे लोग बन जाते हैं शैतान। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रतलाम की, जहां हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां रेलवे का एक गेटमैन शराब के नशे में अपनी ड्यूटी भूल गया। ट्रेन आने के वक्त रेलवे का फाटक बंद किया जाता है, लेकिन उसने फाटक बंद नहीं किया। पूरा मामला क्या है आइए देख लेते हैं। नशे में इंसान सब कुछ भूल जाता है। रेलवे के एक गेटमैन पर शराब की खुमारी इस कदर चढ़ी कि वो रेल फाटक बंद करना भूल गया। जी हाँ, हैरान कर देने वाला ये मामला रतलाम का है। यहाँ रवि नाम का रेलवे गेटमैन ने अपनी ड्यूटी छोड़ शराब पार्टी की। शराब के चक्कर में वो रेलवे का फाटक बंद करना ही भूल गया। फाटक खुला और पटरी से ट्रेन गुजरती रही। इस दौरान कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि स्थानीय युवाओं की समझदारी से हादसा टल गया। फाटक नहीं लगी थी और दो ट्रेन आ रही थी जी, सामने से जी, पर फाटक ही नहीं लग रही और उसमें फाटक ही नहीं लगी और इंसान गुजर रहे थे यहाँ से, उनको हमने रोका यहाँ पे। अच्छा, ट्रेन देख के ना, क्योंकि ट्रेन दो ही सामने से आ रही है, थोड़ी थोड़ी दूर पे रुक गई ट्रेन, उन्होंने हॉर्न मारा, ये फाटक ही नहीं लगा रहा, तो हमने इंसानों को रोका और ऊपर गए तो वो इंसान दारू पी रहा ऊपर, जो फाटक लगाने वाला है ना वो दारू पी रहा ऊपर। ये रेलवे फाटक जहाँ पर है वहाँ से काफी लोग गुजरते हैं, इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है खुले रेलवे फाटक के नजदीक कितने लोग मौजूद हैं। अगर आम लोगों ने अपना फर्ज नहीं निभाया होता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लोगों का कहना है कि ये पहली बार नहीं जब रेलवे फाटक खुला रह गया है। यहाँ पे आवक जावक तो बहुत सारी की थी जी, और शाम को जो काम करके आते ना जी, तब अभी के टाइम पे गुजर रहे थे। फिर क्या हुआ, फिर क्या किया? फिर क्या हुआ कि हमारे दो तीन मित्र ऊपर गए जी, उसको देखा, उसको उठाया वहाँ से जी, दारू पी रहा था वो जी, उसको उठा के ना फिर बंद कर भाई। ऐसे आज से पहली बार हुए कि कोई? अरे तीन बार हो गए ना, ये जब था ना, जब भी हुआ। देखिए ये जो गेट पे जो लाइनमैन जो गेट कीपर था वो क्या है कि नशे में था, संदिग्ध अवस्था में पाया गया। इसके बाद में हम लोगों ने उसको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया है अभी आगे की कार्रवाई के लिए। दूसरा क्या था कि जो गेट था वो सिग्नल की वजह से जब गेट खुला रह जाता है तो गाड़ियाँ अपने आप ही ऑटोमेटिक रुक जाती है, क्योंकि रेड सिग्नल दिख गया, दोनों तरफ से गाड़ियाँ खड़ी हो गई। इसके बाद में फिर मौका वारदात हमारा स्टाफ पहुँच के और उसको पूरा डिटेन किया, सॉर्ट आउट किया। इसके बाद में फिर पूरी तरह से गेट को बंद कर दिया गया। लोगों की जागरूकता से हादसा तो टल गया, लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। शराबी रेलवे कर्मचारी लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सुधीर जैन, न्यूज 18, रतलाम। और अब नकली नोट का खेल। महासमुंद में फिर नकली नोट के खेल का मामला सामने आया है। सरायपाली पुलिस ने 3,80,00,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। इसके साथ ही अरुण सिद्धार्थ के नाम का एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नकली नोटों को एक पिकअप वाहन में साड़ियों के बीच रखकर ले जा रहा था। आरोपी के पास से 5,500 रुपए के 760 बंडल नकली नोट के भी मिले हैं। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो उसका एक साथी भी उसके साथ इन्वॉल्व है। ये पहला मौका नहीं है जब महासमुंद में नकली नोट बरामद किए गए हों। पिछले साल भी यहां से नकली नोट बरामद हुए थे। आरोपी ओडिशा से नकली नोट लेकर आते थे और छत्तीसगढ़ से देश के कई अलग अलग शहरों में से खपाते थे। 500 रुपए के बदले 5,000 रुपए के नकली नोट दिए जाते थे और अब एक बार फिर नकली नोट के खेल का पर्दाफाश हुआ।
ये बता रहा है कि महासमुंद नकली नोटों का अड्डा बन चुका है। सरायपाली बस स्टैंड के आसपास में उस गाड़ी को चेक किया, सरायपाली टीआई के नेतृत्व में टीम बनाए थे। उस गाड़ी को चेक करने पर ऊपर में तो कुछ साड़ियां रखी हुई थी, पर जब अंदर से उसमें चार बड़े बैग थे, उन बैगों को चेक किया तो उसमें इस तरह के जो नोट थे प्रथम दृष्टया में लग रहे थे वो प्रिंटेड नोट हैं। ये बड़ी मात्रा में थे और ये लगभग 76,000 नोट थे जो 760 पैकेट में थे। इनकी जो कीमत है 3,80,00,000 रुपए के ये नकली नोट बरामद हुए। इसमें से 12 साड़ियां थी जो, और एक पिकअप वैन, एक रेडमी मोबाइल के साथ में एक जो पिकअप वैन का चालक था अरुण सिदार जो 18 वर्ष का है, ये सारंगढ़ थाने का एक सरायपाली गांव है वहां का निवासी है। उसको पूछताछ किए तो उसमें उसने बताया कि एक व्यक्ति ने, क्योंकि इसके पास पिकअप थी तो पिकअप में कुछ सामान रायपुर ले जाना है लोड करके, एक फ़ोन नंबर से इसकी पिकअप बुक करवाया था। एक निश्चित जगह पे सारंगढ़ के थाने के एक अमेठी गांव पड़ता है वहां पर उसको उसका सामान उसने रोड पे ही रखा हुआ था और फिर ये वैन जब आई इसके पास में तो उसमें लोड करके निकला। तो ये सूचना मिली थी हमको और चूंकि चालक है, चालक से अभी प्रारंभिक पूछताछ की गई है। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत, आप कभी भी हो सकते हैं शिकार नकली नोट के खेल के। 3 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट बरामद हुए हैं, 500-500 के 760 बंडल नकली नोट के मिले हैं और पिछले साल भी नकली नोट पकड़े गए थे। ओडिशा से ये नकली नोट लाए जा रहे हैं, 500 के बदले 5,000 के नकली नोट। कई शहरों में ये नकली नोट खपाए जा रहे थे, इसीलिए हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि नोट जब भी आप लेन देन करें तो सतर्क रहें, सावधान रहें।